हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज है मंडे, चिल्ड्रंस डे भी है, तो अयंत स्कूल निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। आज मैंने नाश्ता में ना सबके लिए सैंडविच बनाई है। अयान के लिए ब्रेड मसी बना रही थी, तो ब्रेड रखी थी मैंने, सबके लिए सैंडविच बना दिया। बस अभी ढक कर रखाई हूँ क्योंकि मासी नहाने गई थी और नानी जी पूजा कर रही थी, तो वो लोग भी फ्री होके आ गई हैं। तो अब चल रहे हैं नाश्ता करने, आप लोग भी आ जाइए। चलिए, चलो नाश्ता लगा रही। मस्ती भी नहा के आ गई है। मैं सबसे पहले नहा चुकी थी। हाँ, नानी भी नहा चुकी है, आप लोग नहा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो मैंने सैंडविच यहाँ रख दिए थे कवर करके, जा रहे गरम कर ले रही हूँ, ठंडे हो गए ना। और सैंडविच ठंडी हो गई थी ना, तो मैंने इनको गरम कर लिया, और गरम करने के साथ ना इनको थोड़ा अच्छे से गरम किया कि टाइट ब्रेड हो गई है, थोड़ा सा करारा खाने में और अच्छा लगता है। और आज की सैंडविच में ना मैंने सिर्फ आलू और टमाटो ही रखा है, बाकी उसमें कुछ नहीं डाला। यहाँ पर चाय भी छान दे रही हूँ, मेरी चाय भी बन गई है, तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने। और आज ना मासी बोल रहे हैं कि सैंडविच हैं तो चाय कम बनाइए, वैसे जब चाय के साथ कुछ नहीं होता है तो गिलास भर भर के चाय होती है, और आज नाश्ते में हाफ हाफ चाय है। तो मैं जब चाय बना रही थी ना, तो वो गैस थोड़ा ऑन रह गई थी, इसलिए वो जल। और अभी मैं जा रही हूँ, ये जो जल रही है ना, ये दालें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो जितना मासी ने धनिया डाली थी ना, तो धनिया तो निकली नहीं है, मिट्टी उसमें अच्छी डली है, तो इसकी जो डालें हैं वो भी लटक रही हैं, तो वो भी सेट हो जाएंगे, और उसमें लगा दूंगी तो वो भी खाली है तो भर जाएगी। तो जा रही हूँ ऊपर, ऊपर की तोड़ ले रही हूँ, और काफ़ी अच्छी फूल रहे हैं। और इस ट्रे में ना नानी दोबारा से धनिया के बीज डालने जा रही थी, बोल रही थी कि शायद एक बार नहीं निकले हैं, दोबारा डाल के देखो। और तो वो डाल रही थी, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कि नहीं, इसमें जल्दी में लगा दो, धनिया नहीं निकलने वाली, वो वैसे भी निकल आएगी इतने समय, तो क्या हो रहा है। तो फिर मैंने इसमें जल्दी में लगा दिया, नहीं तो वो इसमें धनिया डाल चुकी होती हैं अभी तक, अगर मैंने ना देखा होता तो। जल्दी में लगा दे रहे हैं, तो वो भी अच्छी हो जाएगी। जल्दी में क्या है कि जल्दी लग जाती है, बहुत बेस्टम पेड़ होता है, आपकी इसकी डाल ऐसे ही लगा दो तब भी अच्छे से लग जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी कवर हो गई ट्रे। और आज मेरा वीडियो फिर से 3 दिन बाद आ रहा है, और वो ऐसा रहता है ना कि जब कुछ काम नहीं रहता है तो वीडियो भी क्या बनाते हैं, इसलिए जब थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ तो उसी चीज़ का वीडियो बना पाती हूँ, नहीं तो वैसे मेरे पास काम भी नहीं रहता है, और तो मैं उसी चक्कर में वीडियो ही नहीं डेली डेली बना पाती हूँ। और वैसे भी ये पेड़ ऐसा होता है ना, थोड़ा सा लगाओ फैलता जाता है, तो फैलने के लिए इसमें जगह भी बहुत है, तो ये लग भी गई, इसमें जल्दी लग भी जाएगी। ये वाला खाली रखा था, इसमें मैंने वो लगा दिया है, मनी प्लांट लगा दिया तोड़ के, जो उस गमले में ज़्यादा था, एक आध बड़ी ज़्यादा नहीं निकली है, दो ही डाल बड़ी बड़ी निकली थी, तो ये इसमें लगा दी, ये भी भर गया। और ये छोटा सा खाली रखा था, इसमें मैं एक दिन मार्केट से पुदीना लेके आई थी, तो उसी की कुछ डंडी लगा दी थी, काफ़ी लगाई थी, कुछ नहीं लगाई थी, चारों साइड लगाई थी, बस दो डंडी लगी हैं और बाकी सारी सूख गई, तो लेकिन ये भी लग गया है, देखो धूप मिलती रहेगी ना तो ये भी लग जाएगा। लेकिन ये सारे ऐसे हैं ना कि रखने वाले हैं, हैंग करने वाले नहीं है, नहीं तो ये जो स्टैंड मसी ने यहाँ पर सेट किया है इसमें ऐसे हैंग कर देते, अच्छा लगता देखो, लेकिन वो हैंग करने के लिए नहीं है, ये ऐसे रखने वाले हैं, ऐसे कहाँ रखते हैं।
बनेगा नहीं, और कुछ लगा के हैंग करेंगे तो इतना मजबूती नहीं रहेगी। दिवाली के टाइम में बोले तो धुलने के लिए, लेकिन याद नहीं रहा था। लेकिन पता नहीं कि ऐसे धुले ना, हाथ से धुलूं। एक बार तो मैंने इस वाले टैडी को मशीन में डाल के धुल दिया, तो अभी भी ऐसे ही कर रही हूँ। जा रही हूँ सीधे इन्हें मशीन में डाल देंगे और सर्फ डाल के सीधे साफ। इसलिए मुझे पता ही नहीं है, कोई बोलता है कि इसके अंदर का फॉर्म निकाल दो फिर इसे धुल दो। जैसे इनमें चैन लगी रहती है ना, तो ये इसका फॉर्म निकल जाता है आसानी से, फिर धुल दो। कोई कहता है कि सीधे मशीन में डाल के। वैसे इनको धुलना है तो बता दो कैसे धुलूं, मशीन में डाल दूं? जैसे हाँ, जब से वो टंगा ही है मशीन नहीं है। इस वाले टैडी में भी चैन नहीं है। जो बड़े धोए थे उसमें तो चैन है। हाँ, मैंने धोए नहीं, सारी सफाई करी है, नहीं धो पाई। हाँ, ये येलो ना कैमरे में दिख नहीं रहा, लेकिन रियल में थोड़ा सा गंदा हो गया है, काला काला दिखने लगा यहाँ से देखो ना। तभी तो चिढ़ा रहा है वो फिर भी मजे कर रहा है। ऐसे हाँ, ले जा रही है इनको मशीन में डाल के आ रही है। पहले प्लेट यहाँ पर मैंने मशीन की जो प्लेट थी वो तो मैंने साफ कर दिया, ढक्कन साफ करके लगा दिया है। और इसके बाद पता नहीं है कि वो कचरा फिर से निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं सोच रही हूँ ना निकले तो अच्छा है, टैडी एक बार में धुल जाएंगे, नहीं तो वैसे फिर अगर गंदे निकलेंगे तो दोबारा से हाथ से धुलने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं थैले से सब्जी निकाल के रख रही थी, तो नानी बोले लाओ सब्जी ले आओ, काट के रख देते हैं, खाना का टाइम होगा जब तक मौसी आएंगी। वो अभी अपना काम कर रही थी वीडियो का, तो वो सब्जी कटी रखी रहेगी तो बनाने में आसानी रहेगी। वैसे भी नानी का अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता, उन्हें लगता है कुछ ना कुछ काम ढूंढ के करती रहती हैं। अभी सब्जी देख ली तो उन्होंने सब्जी काटने बैठ गई हैं, नहीं तो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, कपड़े वपड़े उठाती रहती हैं। और सब्जी तो कट गई है, मैं जा रही हूँ उसे किचन में रख के पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी बनाने में टाइम है, आधा एक घंटा बाद खाना बनेगा। तो ये मैं मशीन से निकाल रही हूँ, ये धुल गए हैं। और देखो मशीन से धुलने में ये होता है ना, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इनका पानी ना सारा मशीन में ही वो सूख गया है। बस इनको हवा में रखना है, सूख जाएंगे। तो जहाँ पर टंगे थे यहाँ रखे थे वहीं रखा रही हूँ, क्योंकि गीले है नहीं है, सूखने का डर है नहीं है, पहले ही मशीन में ही सूख चुके हैं और साफ भी हो गए। देखो साफ हो गया, ये वाला भी साफ हो गया। इसको टांग देते हैं, ये खराब हो जाएगा। ये नहीं साफ हो गए ना, हाँ, और सूख भी गए ना। और यहाँ पर आया नहीं, स्कूल से आ भी गया है, और कपड़े वपड़े मशीन उसके चेंज कर दिए हैं, तो अभी खाना नहीं खा रहा है। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि हम अब और अभी हो रहा है टाइम 5 बज रहा है, और मैं जा रही हूँ चाय पीने। और अभी मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लगाने, उन से पहले रखे हुए तो कुछ सेट कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर। और
आप लोग बोले होंगे कि मैं हर वीडियो में अपने कपड़े ही लगाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मुझे कपड़े लगाने होते हैं ना तो मैं वीडियो उसी दिन बना रही होती हूँ, तो फिर मुझे लगता है मैं इस चीज़ का भी थोड़ा सा बना ही लूँ जब कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा फैलते ही हैं मेरे क्या है, कपड़े तो सभी के फैलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 7:30 हो चुका है, और अब मैं अपना वीडियो यहीं कर रही हूँ एंड। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो आप लोगों को आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।